श्री माता शरणम, श्री अरविंद शरणम, उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, ध्यान और योग हमारी आत्मा जागरूक होने में किस प्रकार सहायक है, समाज की नकारात्मक स्थिति में हम ध्यान और योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? हाउ आर द मेडिटेशंस एंड योगा हेल्पफुल फॉर बिकमिंग माइंडफुल इन आवर सोल? हाउ कैन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा इन द नेगेटिविटी ऑफ द सोसाइटी? ध्यान और योग अलग चीज नहीं है, योग का एक प्रैक्टिस ध्यान है। योग का मतलब भगवान का साथ युक्त होना, योग है। भगवान क्या है? भगवान हमारा सोर्स है, उसका साथ हमारा कनेक्शन होने से हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। जैसा सूर्य के साथ जो ग्रह नक्षत्र उसका कनेक्शन रहता है, वैसा ही हमारा सोर्स जो है वो भगवान है, उसका साथ हमारा जो कनेक्शन है वही, इसको बोलते हैं हम योगा। जनरली योगा हर आदमी सोचता है कि योगासन प्राणायाम वो प्रैक्टिसेस है। योगा का मतलब भगवान का साथ युक्त होना है, हमारा चेतना भगवान का साथ युक्त होना है। उसके लिए जो प्रैक्टिस है उसमें ध्यान आता है, प्राणायाम आता है, योगासन आता है, हर कुछ आता है, सत्संग आता है, सब कुछ आता है। तो समाज का नकारात्मक स्थिति में हम ध्यान और योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? यही प्रश्न चंद्रगुप्त ने चाणक्य को पूछा। चाणक्य बोले थे कि जैसा भी परिस्थिति हो, तुम अगर सम्राट बनना चाहते हो तो उसको फेस करना है। तो वो चंद्रगुप्त आकर चाणक्य को बोला कि मेरा जो सहपाठी है वो इतना डिस्टर्ब करते हैं, खाने के लिए नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, सोने के लिए नहीं देते हैं, ऐसा इतना डिस्टर्ब करते हैं, मैं कैसे वहाँ मैनेज कर पाऊँगा अपने आप को? तो उन्होंने बोला, अगर जानना चाहते हो तो मेरा कक्ष को आ जाओ। बोल दिए, वो अंदर चले गए, लेकिन लक कर दिए अंदर से। तो चंद्रगुप्त सोचा, अरे मुझे बुलाया लेकिन लग कर क्यों कर दिया, अंदर से मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि गुरुजी बोले। तो उन्होंने देखा कैसे जाएंगे, तो देखा रूम का ऊपर में एक स्काईलाइट है, स्काईलाइट विंडो है, उसका अंदर में जा सकते हैं। तो वो रिसर्च किया कैसे जाएंगे, एक सीढ़ी बनाया पास का मटेरियल लेकर और ऊपर चढ़कर कक्षा के अंदर कहा गया। उस समय वो ध्यान में बैठा था चाणक्य। 5 मिनट का बाद उन्होंने पूछा, अच्छा तुम्हारा प्रश्न क्या था? तो चंद्रगुप्त बोला, समाधान मिल गया, कक्ष का हर डोर बंद होने से भी स्काईलाइट मिलेगा जरूर। आपका जितना भी समस्या है, समाधान के लिए एटलीस्ट 1 डोर ओपन होगा जो आपको ढूंढना है। तो ऐसा ही समाज का जो नकारात्मक सिचुएशन है वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितना आप फेस करेंगे उतना ताकतवर हो जाएंगे। जितना भी प्रॉब्लम आएगा आपके बाद में उसको आप सही से फेस कर सकेंगे। तो नकारात्मक सिचुएशन हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सब कुछ एक चैलेंज है। जीवन को जो जितना फेस करेगा उतना महान होगा। आप देखिए, जितना महापुरुष है दुनिया में उनका लाइफ स्टोरी आप पढ़िए, एक ही चीज आप देखेंगे कि वो सिचुएशन को फेस किया है। हम लोग सिचुएशन से भागते हैं इसलिए कुछ नहीं बनते। सिचुएशन को देखकर हम लोग रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सम्मुखीन नहीं होते हैं जॉयफुली। इफ यू नो हाउ टू फेस द लाइफ, लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। जीवन का अगर आप फेस करेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा।
अगर जीवन का फेस नहीं करेंगे तो ऐसा ही रह जाएगा जैसा आम आदमी का रहता है, मिजरेबल लाइफ। दूसरा प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि महान लोग निष्काम कर्म करते हैं, कामना वासना और महत्वाकांक्षा के बिना कर्म कैसा किया जा कैसा करना संभव है। इट इज सेड दैट ग्रेट पीपुल डू सेल्फलेस डीड्स, हाउ इज इट पॉसिबल टू वर्क विदाउट डिजायर एंड एम्बिशन। डिजायर हमारा फ्यूल है, एम्बिशन हमारा फ्यूल है, जिसमें हमारा गाड़ी चलता है, हमारे जीवन का गाड़ी चलता है। ये हम लोग सोचते हैं कि डिजायर का बिना, एम्बिशन का बिना हमारा जीवन का गाड़ी आगे नहीं जा सकता है। ये ठीक ही बात है, जैसा कि गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, अगर पेट्रोल या डीजल नहीं होता तो गाड़ी आगे नहीं जाता है। लेकिन ऐसा भी अभी नया गाड़ी निकलता है, सोलर गाड़ी, जिसके लिए पेट्रोल और डीजल जरूरत नहीं है, वो चाहिए, वो डायरेक्टली एनर्जी ले आता है सोलर से। उसमें क्या बेनिफिट है कि वो पोल्यूशन नहीं है। तो आपका भी सोर्स हायर है, जीवन का लोअर सोर्स है डिजायर एम्बिशन, हायर सोर्स है एस्पिरेशन। तो हम लोग लो लेवल में रहते हैं, इसीलिए डिजायर और एम्बिशन को छोड़कर हमारा जीवन आगे नहीं जाता है। डिजायर एम्बिशन ग्रीड ये सब चीज हमको प्रेरित करता है आगे जाने के लिए। अगर कोई कहाँ पे जॉब मिलना है तो पहले देखते हैं कितना सैलरी है, नहीं तो नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग बड़ा बड़ा बात बोलते हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर सैलरी बंद कर देंगे तो कितना आदमी काम करेंगे। हम लोग देश के लिए नहीं काम करते, हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन बोलते हैं हम लोग इसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्थिति है वो स्थिति में ये सब ही हम लोग को प्रेरित करता है। हमारी स्थिति को अगर परिवर्तन करेंगे, जैसा जो डीजल पेट्रोल व्हीकल को चेंज करने के लिए उसका टोटली रेडिकल चेंज करना पड़ता है, मूलभूत परिवर्तन करता है, दूसरा गाड़ी जो होता है सोलर गाड़ी उसका इंजन सेम नहीं है, ये जो पेट्रोल डीजल का गाड़ी का है उसका टोटली चेंज होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट होता है। ऐसा ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट होना है तब हम लोग महान होंगे। महान आदमी का मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, इसलिए वो डिजायर और एम्बिशन को लेकर नहीं जाता है, वो जाता है भगवान का प्रेरित इच्छा, वो देश के लिए भगवान के लिए काम करने के लिए, उनका शरीर मन प्राण दूसरा ढांचा से बनता है, उसको बोलते हैं योगासन साधना। योग योग करने से क्या होता है कि हमारा परिवर्तन होता है मन में प्राण में और शरीर में, तब ये डिजायर एम्बिशन ये सब मीनिंगलेस हो जाता है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका बिना कोई काम नहीं कर रहे, आप लोग यहां पढ़ते हैं क्यों बोलिए। करियर सक्सेस मनी और क्या, लेकिन ये कारण नहीं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए एक ही कारण है कि विश्व को जानना है, मुझे जानना है और मेरा काम क्या है, वो क्या निर्धारित किए हैं उसको प्रतिफलित करना है, वो है वो पढ़ने का मतलब। लेकिन किसी को पता भी नहीं, पिताजी भी बोलते हैं तुम पढ़ो, बहुत बड़ा आदमी बनो, पैसा बनाओ, जियो, हर आदमी जैसे मर जाते तुम भी मर जाओ, यही तो जीवन है। क्योंकि हमारा जीवन को चेंज करने के लिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है वहां तक नहीं जाने से डिजायर और एम्बिशन छोड़कर एक आदमी जी नहीं पाएगा। तो ये संभव है लेकिन इजी नहीं है, आप लोग को अभी से प्रयत्न करना पड़ेगा, तब ऐसा एक दिन आएगा आपको कुछ नहीं चाहिए लेकिन आनंद आपका पास आएगा। द डिलाइट विल एंटर इन टू योर लाइफ स्पॉन्टेनियसली। पैसा आपको नहीं देता है, कुछ नहीं देता है आपको, प्लेजर देता है, प्लेजर का साथ पेन भी आता है, लेकिन सेल्फलेस वर्क, निष्काम कर्म बोलते हैं उसको,
उसी में आनंद मिलता है। उसके लिए हम लोग को प्रस्तुत होना है, एक दिन दो दिन का काम नहीं है ये। तो धीरे धीरे हमारा मन प्राण शरीर जितना सेल्फलेस होगा, जितना ईगोलेस होगा, उतना हम लोग बिना डिजायर बिना ईगो में काम कर सकते। और एक प्रश्न आया था, हमारे माता पिता हमें बाहरी सफलता पाने के लिए जोर देते हैं, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि बाहरी रूप से सफल होने की तुलना में जीवन की लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति महत्वपूर्ण है। आवर पेरेंट्स पुश अस टू गेट आउटर सक्सेस, हाउ कैन वी मेक देम अंडरस्टैंड दैट फुलफिलिंग लाइफ एम एंड पर्पज इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग आवर सक्सेस आउटर सक्सेस। एक उदाहरण मैं दूंगा, दो लोगों को दो पेट दिया गया, उसमें दो कलियां हैं, उनको बोला गया कि उसको प्रस्फुटित करो, फूल बना दो। तो एक आदमी ने क्या किया, उसका जो पंखड़ी थे उसको वो हाथ में खोल दिया और सेंट डाल दिया, स्प्रेड कर दिया। दूसरा आदमी क्या किया, उसको छुआ नहीं, वो पेड़ का नीचे जो उर्वरक दिया है, पानी दिया, वो धीरे धीरे फूल विकसित हुआ। एक्चुअली नेचुरल फूल कौन सा हुआ, किसका वैल्यू ज्यादा है? पहला आदमी क्या किया, वो खोल दिया हाथ में, सेंट स्प्रे कर दिया। दूसरा आदमी क्या किया, उसको छुआ नहीं, पेड़ का नीचे पानी दिया, उर्वरक दिया, जो फूल हुआ, कौन सा फूल का वैल्यू ज्यादा है? सेकंड। तो बाहर का सक्सेस के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं, मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं, पैसा के लिए काम कर रहे हैं, वो कैसा फूल बनता है हमारा जीवन, पहला आदमी का फूल जैसा या दूसरा आदमी का फूल जैसा? बोले पहला, हम लोग का ऐसा ही फूल बनता है, अंदर से कुछ नहीं विकसित होता है, तो उसका महक भी ज्यादा से दिन नहीं रहेगा, उसका वैल्यू भी डाउन हो जाएगा। तो ये समझाना है, अपने आप को समझाना है, पिताजी माताजी को समझाना है, समाज को समझाना है कि अंदर से विकसित होना है, बाहर का कारण के लिए मैं विकसित नहीं होगा, मैं इसलिए विकसित होऊंगा कि अंदर में विकसित होने में आनंद है। अपने अंदर में जो कुछ है वो अगर प्रकाशित होता है, मैनिफेस्ट होता है, उसमें आनंद है, बाकी सब चीज अपने आप आएगा। जितना आपको खाने के लिए जरूरत है, पैसा अपने आप आएगा, हर चीज आप उसके लिए मत भागो, हम उसके लिए भागते हैं, इसलिए जीवन मिजरेबल होता है, पेनफुल होता है। तो जीवन को नेचुरल बनाना है, अंदर में जो कुछ है उसको बोलते हैं स्वधर्म, वो स्वधर्म को विकसित करना है, बाकी सब चीज आपका जीवन में जो होना है वो स्पॉन्टेनियसली होगा। तो वो खुद को समझना है पहले, उसके बाद पिताजी और माताजी को समझाएंगे, जो भी बोलते हैं समाज में कि तुम इसके लिए काम करो, इसके लिए काम करो, उसको आप लोग समझाना है कि नहीं नहीं, ऐसा काम करने से वो आर्टिफिशियल लाइफ हो जाता है, नेचुरल नहीं होता है। उसका बाद का एक प्रश्न है, कहा जाता है कि इस दुनिया में हम सभी को एक कार्य सौंपा गया, क्योंकि हम अपने सौंपे गए कार्य को अवगत नहीं है, इसलिए संसार में असमंजस विद्यमान है। हमें अपने सौंपे गए कार्य के बारे में कैसे अवगत हो पाएंगे? इट इज सेड दैट इन दिस वर्ल्ड वी ऑल हैव बीन असाइंड ए टास्क
since we are not aware of this task assigned to us, there is disharmony in the world. How do we get to know about our assigned task? पहले तो मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल अटेंशन को ड्रॉप करना है। हम लोग क्या है कि हर चीज के लिए एक्सटर्नल कारण खोजते हैं। डॉक्टर क्यों बनेंगे ना पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं। डॉक्टर क्यों बनेंगे, क्योंकि अपना अंदर में उस वही बनने के लिए इच्छा है और कोई बाहर का कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर का कारण होगा तो आप अगर डॉक्टर बनेंगे भगवान को पेशेंट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, नहीं तो आप जॉबलेस हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं क्या वर्ल्ड में पेशेंट का क्वांटिटी बढ़ना है? डॉक्टर्स के लिए पेशेंट बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? सुबह सुबह क्या प्रेयर करते हैं डॉक्टर्स, ए भगवान मेरे लिए सीरियस पेशेंट देना, नहीं तो मेरा क्लिनिक कैसा चलेगा। तो भगवान मैन्युफैक्चर करते हैं सीरियस पेशेंट, तो आपका प्रोफेशन कैसा चलेगा? इसीलिए माता जी बोल रहे हैं किसी को अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे मैं सेवा करूंगा दुनिया को कब सेवा कर पाएंगे आप? जब दुनिया में दुखी रहेंगे तो आप इनडायरेक्टली प्रेयर कर रहे हैं दुखी लोग को रहना है, नहीं तो मैं क्या सेवा करूंगा। इसीलिए कभी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मत रखना। अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं आप अनोइंगली। यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, बिकॉज विदाउट प्रॉब्लम यू कैन नॉट एग्जिस्ट। एडवोकेट क्या चाहेगा, हर रोज कुछ डिस्प्यूट होना चाहिए, नहीं तो उसका कैसे चलेगा। तो ये जो एक्सटर्नल इंपोर्टेंस जो हम लोग देते हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको ही हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। इट इज ए इटर्नल प्रोसेस, वो चलते रहता है गाड़ी। अभी तक क्यों समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग ही क्रिएट करते हैं, हम लोग ही समाधान करते जा रहे हैं। एक पुलिस स्टेशन में क्या हुआ कि एक चोर आया था, उसको वो पीट रहा था पुलिस ऑफिसर। तो उन्होंने बोला इतना जोर में क्यों पीट रहे हो तुम मुझे, ना तुम क्या अच्छा काम किए होगे, तुमको मेडल देंगे। तो उन्होंने बोला देखिए हम लोग है इसीलिए आपका डिपार्टमेंट है, और हम लोग अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपका प्रमोशन होता है। तो हमारे लिए आपका जीवन प्रगति होता है, हमारे ऊपर इतना खप्पा क्यों है? तो यही है हमारा ऑर्डिनरी लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ बोलता है मैं क्यों वो काम करूंगा, उसमें मेरा अंदर का जॉय होता है। इसलिए अगर वो काम बाहर में प्रॉब्लम खत्म हो गया तो अंदर से दूसरा काम के लिए रेडी हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं मनुष्य जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहना है, नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन रात में आपका नींद नहीं होगा तो मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि हमारा जितना डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है कि नहीं? हर डिपार्टमेंट आप सोचिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, तो प्रॉब्लम तो रहना ही है, नहीं तो आप लोग का प्रोफेशन कैसे चलेगा? तो स्पिरिचुअलिटी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे? वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लाइफ नहीं है, वो डिलाइट ओरिएंटेड लाइफ। अंदर में आनंद मिलता है इसलिए मैं करता हूं, हर काम में उसका आनंद है वो ले सकता है। तो प्रॉब्लम वो नहीं क्रिएट करेगा। तो वही है जीवन का लक्ष्य। पहला चीज है आप बाहर से निकल आइए, अंदर का आनंद के लिए काम करना सीखिए, तो आपको पता चलेगा आपको भगवान क्या चाहते हैं, आपका थ्रू में क्या चाहते हैं। हर आदमी का एक यूनिक असाइनमेंट है, लेकिन कोई उसके लिए समय नहीं देता है। हर रोज एक घंटा आप बैठकर पूछिए अपने अंदर में भगवान है, उनको पूछिए कि आप मुझे क्यों पैदा किया है। मैं पूछ रहा हूँ बहुत आदमी को कि आप पूछ रहे क्या, ना समय नहीं है, इतना होम टास्क मिल लिया घर से कि उसको खत्म करने से तो प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम है तो हमारा कहाँ टाइम है कि अपने आप को पूछेंगे मैं क्यों आया हूँ। अगर मैं क्यों आया हूँ मुझे पता नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं लेकिन जीवन व्यर्थ है। देखिए इसको मनुष्य बनाया है, इसका पीछे कारण है कि नहीं? मेरा बात आपका पास पहुंचता है। घर बनाया है मनुष्य ने बनाया, किस लिए?
हम लोग रहने के लिए, गाड़ी बनाया है किस लिए, घूमने के लिए। अगर गाड़ी बोलेगा कि हर रोज मैं इधर उधर घूमता हूं, बोर हो जाता हूं, घर जैसा एक जगह में रह जाऊंगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लोहा दुकान में गैरेज में डाल देंगे, बोलेंगे रह, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे ही घर अगर बोलेगा मैं एक जगह में रह रहकर बोर हो जाता हूं, मैं भी थोड़ा दिल्ली से मुंबई जाऊंगा, तो वो स्टार्ट करने से ही गिर जाए, क्योंकि वैसे बना है नहीं, तो उनका जीवन व्यर्थ है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम जिसलिए पैदा हुए हैं, वो काम कर रहे हैं क्या, इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ है। सोशली आप जितना भी बड़ा हो सकते हैं, लेकिन जीवन का आनंद नहीं मिलेगा आपको। आनंद तब मिलेगा जिसलिए आप पैदा हुए, उसी के लिए काम कर रहे हो। इसके लिए आपको कंसंट्रेट करना है, अनसेल्फिश रहना है, अपने अंदर को जाना है, तब मिलेगा आपको प्रेरणा, किस लिए आपको बनाया गया है, किस लिए आप इधर आए हैं, कौन सा काम आपका थ्रू में भगवान चाहते हैं करने के लिए। हर रोज आपको कुछ समय देना है अनसेल्फिश वर्क के लिए, अनइगोइस्टिक वर्क के लिए और सेल्फ कंसेंट्रेशन के लिए। ये तीनों करने से आपको पता चलेगा हम लोग किस लिए आए, तब उसी हिसाब से जीवन को तैयार करना है। अगर ये कर्म नहीं करते हैं, आप जितना भी बड़ा हो जाइए, जितना भी हाईली क्वालिफाइड हो जाए, आपका जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन व्यर्थ है। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता को पूछा, मानव प्रगति के बावजूद युद्ध क्यों हो रहे हैं? उसके पिता ने उत्तर दिया, तुम बच्चे हो, इसे समझ नहीं पाओगे। क्या इस प्रकार नकारात्मक प्रतिक्रिया से बच्चे की जिज्ञासा को ठोस नहीं पहुंचेगी? इस मामले में उचित उत्तर क्या होना चाहिए? A small child asked his father, why wars are happening in spite of human progress? His father replied, you are a child, you will not able to understand. Will not this type of negative response damage the child's curiosity? What should be the proper answer to this case? Actually, जब बच्चा पूछता है, जनरली क्या होती है कि उसका प्रश्न का उत्तर हम लोग पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम समझ नहीं पाओगे, चले जाओ। मैक्सिमम केस में हम खुद को पता नहीं है उसका आंसर क्या है, अगर पता है भी उनको कैसे समझाएंगे वो टेक्निक हम लोग को पता नहीं है, तो बेटर चीज है उसको भगा दो। हम लोग यही करते हैं, अगर हम लोग उसी को प्रश्न को रिसर्च करेंगे तो उससे बहुत अच्छा उत्तर उनको दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग ऐसा चाइल्डिश क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसका अंदर में बहुत डीप मीनिंग रहता है, और भी वो भी जो उत्तर देता है उसमें भी एक बहुत डीप मीनिंग रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत डीप रहता है। एक बार क्या हुआ, एक प्रिंसिपल ने पेरेंट्स के पास गया और पेरेंट्स बोला कि आप लोग बोलते हैं इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर आपका, लेकिन बच्चा को आर्ट करना नहीं पता है, आर्ट कैसे करना पता नहीं। तो उन्होंने प्रिंसिपल ने बोला, नहीं नहीं वो तो आर्ट सब कुछ करता है ना, अभी परीक्षा कर दो, मैं हूँ आप हो वो भी हो। तो प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, ड्राइंग पेपर लेकर आओ। वो ड्राइंग पेपर लेकर आया, सबसे इजी ड्राइंग उनको दिया, क्योंकि उनका प्रेस्टीज है ना प्रिंसिपल का, तो वो सबसे इजी ड्राइंग दिया, एक मछली का चित्र बनाओ, मछली का चित्र बहुत ईजी है, ऐसा कर दो, एक छोटा सा ड्रॉप दे दो, हो गया। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वो कुछ ऐसा वक्र रेखा कर लिया, तो जो पेरेंट्स बोला कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा ही तुम्हारा स्कूल में देखो कैसा पढ़ाता है कि मछली को कर नहीं पाता है, वक्र रेखा बना दिया। तो प्रिंसिपल को भी समझ में नहीं आया, अरे भाई तुम क्या किया, मेरा प्रेस्टीज डाउन कर दिया। तो उन्होंने पूछ रहा है, वो जो बच्चा पूछ रहा है, आप जीवंत मछली बनाने के लिए बोला है या
मुर्दा मछली बनाने के लिए बोला, मैं जीवंत मछली बनाया हूँ, वो ये पानी है, ये जो वक्र रेखा है वो पानी है, उसका अंदर में है, बाहर में दिखाई नहीं देगा, आपको अंदर में घुसना है। तो हम लोग उनको केयरलेसली बोलते हैं, तुमको समझने में नहीं आएगा, तुम्हारा एज नहीं हुआ, लेकिन हमारा एज नहीं हुआ हम लोग आउटडेटेड हो गए। तो इसलिए हम लोग उन लोग को समझना है, वो चाइल्डिश बात बोलते हैं लेकिन उसको अंदर में गंभीर ज्ञान है, उसको समझना है। अगर उत्तर नहीं आता है तो कुछ टाइम लीजिए, उनको बोलिए मैं कल बोलूंगा, क्या है इसमें प्रेस्टीज क्या डाउन हो जाता है, कल आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद जरूर आपको भी उत्तर मिलेगा, तब उनको बोलिए। ऐसा उत्तर देना नहीं चाहिए। धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी देखिए साधारण जीवन है, हमारा कामना वासना का जीवन है, हमारा जो पंचेंद्रिय है उसको सेटिस्फाई कर जो जीवन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साधारण जीवन। धार्मिक जीवन है हमारा मन जो भगवान को चाहता है, उसके लिए जो उनका कंट्रोल करता है अपना जीवन को भगवान के लिए, उसको बोलते हैं धार्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन है अंतरात्मा का जीवन, अनुभव का जीवन। क्या होता है कि जब एक महापुरुष आ जाते हैं उसका जीवन आध्यात्मिक स्पॉन्टेनियसली होता है, वो अनुभव उनका आत्मा जागृत है अंतरात्मा, तो उनका जीवन आध्यात्मिक होता है। लेकिन लोगों के लिए आध्यात्मिकता मतलब नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अंदर का चीज तो पता नहीं होता है वो क्या अनुभव करता है, बाहर को चीज को वो फॉलो करता है। रूल्स रेगुलेशन हो, वो सुबह 4 बजे उठता है, मैं भी उठ जाऊंगा, वो ये खाता है मैं भी खा दूंगा, तो उसका जो बाहर का जो डिसिप्लिन वो फॉलो करता है सिंसियरली, उसको बोलते हैं धर्म। उसमें भी फायदा है, वो बाहर का चीज फॉलो करते करते वो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक चेतना में जा पाएगा, लेकिन ज्यादा आदमी नहीं जा पाते, कुछ आदमी जाते हैं, बाकी सब वो रिचुअल में रह जाते हैं, जीवन भर वो रिचुअल में रह जाते हैं, वो अंदर में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सिंसियरिटी रहना है। वो जो काम कर रहे हैं उसका अंदर का अनुभव पाने के लिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक अंदर से एक हमारा ये रहना है, क्या है कि एस्पिरेशन रहना है कि मैं भी वो अनुभव के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तब वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस एक मीडियम हो जाता है, वो एक्सपीरियंस के बारे में वो आ जाता है, लेकिन उसका नंबर बहुत कम है, 1000 में 1-2 आदमी वो रिचुअल प्रैक्टिस करते आध्यात्मिक बनता है, बाकी सब क्या होते हैं रिचुअल में वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसी को समझते हैं वही भगवान है। आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, पूजा करना है, उठना है, वो एक हो जाता है, वो मैकेनिकल लाइफ को वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ, वो रिलीजियस लाइफ का एक ड्राई लाइफ हो जाता है, और उसके लिए और विकृति भी आ जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ऐसा आदमी लोग रहते हैं वो उसका अपना हिसाब से बिजनेस बना देते हैं, रिलीजन बिकम बिजनेस। जैसा कि एक बार क्या हुआ कि एक गुरु थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन वो सही सच में गुरु थे, इसलिए क्या कि वातावरण में एक साइलेंस एटमोस्फियर क्रिएट हो जाता था, तो इस समय में क्या होता था कि 2 बिल्ली भी आकर यहाँ बैठ जाते थे, इतना साइलेंस होता है, बिल्ली को अच्छा लगता था, वो 2 बिल्ली आकर यहाँ साइलेंटली बैठ जाता थे। ऐसा कुछ साल हो गया, वो गुरुजी देहांत हो गया, देहांती गुरुजी का, तो अभी कौन गुरु बनेगा, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी क्या आएगा, सीनियरिटी आएगा, तो कौन सीनियर है, तो वो बोला मैं सीनियर हूँ, गुरुजी जब से आया मैं हूँ, मैं उनका पीछे पीछे रहा हूँ, उनका सेवा किया हूँ, तो मैं योग्य होऊंगा गुरु बनने के लिए, तो उनको बैठा दिया गया, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो साइलेंस नहीं होता है, बिल्ली नहीं बैठते हैं, 2 बिल्ली दोनों साइड में बैठना चाहिए ना, जैसा
उनको पता है कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, कि एक गुरु बैठेंगे, दोनों साइड में दो बिल्ली बैठेंगे, तो बिल्ली नहीं आता है। तो अभी मीटिंग हुआ कि बिल्ली कैसे बैठेंगे, तो आप लोग का जैसा डॉक्टर थे, बोला कि सोल्यूशन दे दिया, क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन देने से वो बैठ जाएंगे। तो बिल्ली को क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन दे दिया गया, तो आराम से वो दोनों बैठ गए। तो उस समय के बाद बिल्ली बेचना शुरू हो गया कि आप कितना समय मेडिटेशन करना चाहेंगे, मैं आधा घंटा, ये ले लो 1000 रुपया, आप 15 मिनट, ये छोटा सा ले लो। तो ये सब आ गया, बिजनेस आ गया रिलीजन में, आध्यात्मिकता एक्सपीरियंस में है। उसका बाद एक मैकेनिकल लाइफ हुआ है, लेकिन उससे भी जो सिंसियर है वो आध्यात्मिक स्तर में चले गए, लेकिन बाकी सब उसी में रह गया, विशेष सर्किल में रह गया। वो मैकेनिकली फॉलो कर रहे हैं, हर रोज मंदिर जा रहे हैं, हर रोज मंदिर से आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है, वो ऐसा ही रहता है। और कुछ डिफॉर्मेशन करते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं रिलीजन का नाम में। और कुछ होता है, जैसा चलता है हमारा युद्ध चलता है, मैं हिंदू मैं मुस्लिम कर झगड़ा चलता है, झगड़ा में रह जाते हैं और कुछ। लेकिन आध्यात्मिकता है वो प्योर एक्सपीरियंस है, वो आत्मा का एक्सपीरियंस है, लाइफ ऑफ द सोल। बाकी सब चीज माइंड का है, वाइटल का है, सेंसेस का है, ये सब विकृति आ जाता है धीरे धीरे। हम लोग उसी को बोल देते हैं आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता वो नहीं है। मुझ पर अनेक साइकोलॉजिकल और अन्य सूक्ष्म हमले हो रहे हैं, क्या हमें लड़ना चाहिए या सहन करना चाहिए? आई एम अंडर मेनी साइकोलॉजिकल एंड अदर सटल अटैक्स, शुड वी फाइट और टॉलरेट? एक जो योद्धा क्या करता है, जब कारगिल युद्ध में युद्ध करता है, कभी 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 छुप जाता है, कभी कभी सह जाता है, तीनों जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कहाँ छुपना है, कौन सा समय में छुपना है, उसको भागना नहीं बोलते हैं, डरना नहीं बोलते हैं, उसका वो भी विजडम है। अगर आपका पास कुछ नहीं है तब छुप जाना है, जब अस्त्र शस्त्र मिल गया तो उसका साथ फाइट करना है, और सहना भी है, क्योंकि उसका गोली अगर लग गया तो सहना है। तो ये तीनों चीज का यूज करना है, कब क्या करना आपको पता होना चाहिए। हर चीज में, हर चीज में सहना जरूरत है, हर चीज में युद्ध करना जरूरत है, हर चीज में पीछे हटना भी जरूरत है। श्री कृष्ण ने पीछे हट गया था युद्ध 18 बार, क्यों? जरूरत था। तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि रणभाव, रणछोड़, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जरूरत है, तीनों चीज का जरूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है। अगर हमारा इरादा अच्छा है तो हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि हमारा साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा? हाउ कैन वी बी श्योर दैट नथिंग बैड विल हैपन टू अस इफ आवर इंटेंशन इज गुड? इंटेंशन अगर गुड होता है तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हम किसको अच्छा बोलते हैं, किसको बुरा लगते हैं, करते हैं, वो जानना चाहिए। हम सोचते हैं कि यार हमारे लिए बुरा हुआ, शायद वो हमारे लिए अच्छा है, हमको पता नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा काम क्यों, मेरे लिए बुरा क्यों हुआ? बुरा नहीं हुआ, बुरा हम लोग सोचते हैं वो बुरा है। जैसा एक पत्थर है पहाड़ में, वो अगर सोचेगा कि मैं अच्छा मूर्ति बनूंगा, सुंदर मूर्ति बनूंगा, तो मूर्तिकार आएगा उनके पास, तो उसका बाद क्या ट्रीटमेंट करेगा, वो हथौड़ा से क्या करेगा, मारेगा? अगर वो पत्थर सोचेगा कि ये मेरा लिए बुरा होता है तो गलत है, क्योंकि वही उनके लिए अच्छा होता है, सुंदर मूर्ति बनने के लिए उनका ऊपर हथौड़ा पहाड़ प्रहार जरूरत है। आपका तबीयत खराब है, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो अच्छा है कि बुरा है? लेकिन आप बोलेंगे कि इतना पेन होता है वो तो बुरा है मेरे लिए, वो अच्छा है। तो आपका जीवन, अगर इरादा ठीक है, आपका जीवन में जरूर अच्छा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिसको आप बुरा बोलते हैं वो सही में बुरा है कि अच्छा है। और एक प्रश्न आया है,
मेरा क्या होगा, क्या मैं सफल हो जाऊंगा या नहीं, ऐसे डर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं इससे कैसे उबर सकता हूं? What will happen to me? Will I be successful or not? Such fears are disturbing. How can I overcome this? The thing you fear that happens in your life. जो डर आपको आ जाता है वही चीज गलत होता है, नहीं तो गलत नहीं होगा आपको। इसलिए कभी मत सोचना कि मेरा क्या होगा, हर टाइम सोचना कि जरूर अच्छा होगा क्योंकि भगवान है। आज नहीं तो कल है, भगवान का घन देर है लेकिन अंधेरा नहीं। इसीलिए आप अच्छा काम करते जाइए, फल के लिए वेट कीजिए, अभी एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा फल अच्छा फल मिलेगा उतना देर में मिलेगा। तो आप कभी भी ये मत सोचिए मेरा क्या होगा, जरूर आपका अच्छा होगा। आपका अंदर में अगर डर आ गया वही डर बुरा कर देगा आपके लिए, तो डर मत रखना है, डर को सम्मुखीन होना है। कैसे सम्मुखीन होंगे? जब डर आ जाता है उसी को वहीं पे ऐसा देखना है तो वो चले जाएगा। स्वामी विवेकानंद भी डरपोक थे छोटा जब थे, तो वो एक मंदिर गए थे तो बानर सेना आ गए, उनके पास नारियल था तो इसलिए देखकर वो आ गए, उनको भगाया, वो भी डर कर भाग गए। उनका पीछे पीछे जो बानर सेना भी भागते थे, तो दूर से एक महापुरुष सन्यासी वो देखा, इनका अवस्था देखा और विवेकानंद को बोला, अरे तुम इतना डर कर क्यों भागते हो, वहां ठहर जाओ। वो सडन ब्रेक दे दिया, ठहर गए, इनका इतना पावर था उनका महापुरुष का। तो वो जब ठहर गया, वानर सेना पीछे थे वो भी ठहर गया, सडन ब्रेक दे दिया। उसके बाद बोला पीछे मुड़ो, तो वो पीछे मुड़ा, वानर सेना भी पीछे मुड़ा, अभी भागो, तो वानर सेना भाग कर चले गया। डर को तुम भगाओ तो भाग जाएगा, अगर डर को लेकर तुम भागते रहोगे तो कभी सलूशन नहीं है। तो डर को कभी प्रश्रय देना मत, जितना दोगे उतना डराएगा वो, उसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ डरते। डर का कुछ बेस ही नहीं है, जहां हर जगह में भगवान है डर का स्थान कहां है? ये गलत चीज है हमारा अंदर में है, जो हमारा जीवन को छारकार कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। डर को निकाल दो, कैसे निकालोगे, फेस करो और विश्वास रखो भगवान है, कुछ नहीं होगा। गरीबों के पास भगवान के लिए समय नहीं है और अमीरों के पास भगवान की जरूरत नहीं। इस स्थिति में पूरी मानवता जीवन में भगवान की कैसे, भगवान कैसे स्वीकार करेगी? Poor have no time for the divine. Rich have no time, have no need of the divine. Under this situation, how the whole humanity will accept the divine in life? मैं एक गांव गया था, गरीब का गांव था, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहां जब मैं बोला कि आप भगवान के लिए कुछ समय दीजिए, तो उन लोग बोले, आप लोग, आप जैसा जॉबलेस आदमी ही समय दे सकेगा, हमारा कितना काम है, दिन भर काम करते हैं तो थोड़ा सा खाने के लिए मिलता है, वो खाकर हम लोग सो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फिर सुबह उठकर काम में निकल जाते हैं, भगवान के लिए समय कहाँ मिलता है? आप लोग का जो जबले से इधर उधर कुछ काम नहीं, आप लोग करिए वो सब काम। तो मैं बोला बहुत ठीक बात बोले, आप टीवी नहीं देखते पाएंगे, देखते होंगे क्योंकि समय नहीं है ना, ना टीवी देखते हैं, पड़ोस का सा झगड़ा करते हैं, हाँ करते हैं, समय कहाँ मिलता है, इधर उधर बात करते हैं, हाँ करते हैं, सब करने के लिए आपके पास समय है, भगवान के लिए समय नहीं। आप झूठ बोलते हैं, जो बोलता है भगवान के लिए समय नहीं उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं, क्योंकि हर चीज के लिए समय है। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच आ गया तो समय मिल जाता है कहां? आप जिसके ऊपर प्रायोरिटी देंगे उसके लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है बोलिए। आप अगर बोलेंगे कि मेरा समय नहीं है, मैं वेरी बिजी हूं, आपका बच्चा अमेरिका में है, वो बोलेगा मैं अभी आ रहा हूँ फ्लाइट
आप आइए यहाँ एयरपोर्ट आइए, तो आप बोलेंगे क्या समय नहीं है? जिसको आप इम्पोर्टेंस देंगे उसके लिए समय जरूर मिलेगा। एक कहानी है, यो जोक है। एक राजा था, उनका जो सहकर्मी थे उनमें एक आदमी था, वो बहुत खाता था। इतना खाता था कि आश्चर्य लगता था, एक मनुष्य इतना खा सकते हैं? लेकिन राजा तो खुद नहीं खा पाते थे, डॉक्टर मना कर दिया, डायबिटीज से शुरू करके बहुत कुछ है। लेकिन वो जब खाता था तो वो आनंद लेता था। एक बार उनको बुलाया, बोला तुम आज खाते रहो। रसोईया को बुलाया, उसको बोला कि तुम बनाते जाओ और मैं भी मेरा ऑफिस इधर लेकर आ जाऊंगा, मैं देखते जाऊंगा। कौन पहला बोलेगा नहीं ज्यादा हो गया? तुम बोलोगे मैं और नहीं खा पाऊंगा ना, वो बोलेगा मैं और कुकिंग नहीं कर पाऊंगा ना, मैं बोलूंगा नहीं मैं आउट देख नहीं पाऊंगा। कौन पहला बोलेगा? तो वो बैठ गया। लेकिन वो कुक क्या, जो मैरिज पार्टी में जैसा बनता है वैसा बना दे, क्योंकि उसको पता है वो ज्यादा करता है। लेकिन वो बेचारा कितना खाएगा? खाते खाकर बोला कि और पेट में एक बिंदु के लिए जगह नहीं है, वन ड्रॉप के लिए जगह नहीं। तो राजा ने बोला अभी तो ऑर्डिनरी फूड खाए हो, किंग फूड नहीं खाए हो, पायस रह गया। अभी जितना खाए वो ऑर्डिनरी फूड खाए हो। तो उन्होंने सोचा, बोले ठीक है लेकर आओ। तो आ गया पायस, वो खाने लगा। राजा कुछ नहीं बोला, खाने का बाद बोला, अरे तुम कुछ समय पहले बोलते थे कि तुम्हारे अंदर में एक ड्रॉप के लिए जगह नहीं, अभी इतना पायस कैसा खा लिया? तो उन्होंने बोला आप इतना बड़ा राजा है, इतना कॉमन सेंस नहीं है ना क्या है? अगर राजा रास्ता में क्राउड है, राजा आएंगे तो रास्ता मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अभी क्राउड है, बोलेंगे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, रास्ता खाली होगा कि नहीं होगा? ना हो जाएगा। ऐसा ही मेरा क्राउड था, किंग फूड आना है तो बाकी सब चीज साइड दे देंगे कि नहीं देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसा ही मेरा जितना भी काम है, अगर भगवान को काम में मैं श्रेष्ठ काम समझता हूं तो उसके लिए मेरा समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो मैं समझता नहीं हूं कि वो श्रेष्ठ कार्य है। मेरे लिए मेरा स्वार्थ श्रेष्ठ है, मेरे लिए मेरा अहंकार श्रेष्ठ है, भगवान का काम मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए समय नहीं मिलता। वो रिच हो या पोर हो एक ही चीज है, जिसको प्रायोरिटी देगा उसके लिए समय मिलेगा, प्रायोरिटी नहीं देता है तो समय नहीं मिलेगा। भगवान हर आदमी के लिए 24 आवर्स ही दिए हैं, ज्यादा दिए है क्या? लेकिन कुछ आदमी को मिलता है समय, कुछ आदमी को नहीं मिलता है। जब हम द्विविधा में है तो होते हैं तो हम दूसरों से सुझाव लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बार उनके सुझाव अधिक भ्रमित करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? When we are in dilemma, we try to get the suggestions of from others. Very often the suggestions are more confusing. What should we do under such situation? आप जब confusion में हैं, दूसरे का suggestion ले सकते हैं, लेकिन आप concentrate करना है हर चीज को। वो क्या सजेशन दिया, मेरा क्या अंदर में, हर चीज को कंसंट्रेट करना है अपना अंदर में, मन को स्थिर करना है, साइलेंस करना है और भगवान को याद करना है, तो सही निर्देश आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर दूसरों को सजेशन आप ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अपना सजेशन ठीक नहीं है कि दूसरे का सजेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ऑल आर इग्नोरेंस। भगवान ही हैज द विजडम। तो शांत रहना है, ये सब जितना सजेशन मिला है वो सबको वही यज्ञ कुंड में डालना है और भगवान को पूछना है कि मैं क्या करूं, जरूर आपको प्रेरणा मिल जाएगी। श्री अरविंद द्वारा पृथ्वी पर अतिमानस अवतरित अतिमानस क्या है, उसे अतिमानस के बारे में सोचने पर क्या मजबूर किया है? अतिमानस ऐसा एक शक्ति है, मनुष्य अभी अब तक जो चाहता है वो नहीं हुआ, क्योंकि वो शक्ति आया नहीं था।
वो शक्ति अभी मनुष्य जो चाहता है वही होगा। क्या मनुष्य चाहता है? अच्छा कोई मरना चाहता है क्या? कोई दुख चाहता है क्या? कोई तबीयत खराब होना चाहता है क्या? लेकिन वो सब चीज होता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये रियलिटी है। जो जन्म लिया वो मरना ही है, जो जीवन में आया उसको दुख पाना ही है, ये सब हम लोग सोचते हैं। भगवान बोलते हैं हम लोग इसलिए आए नहीं, हम भगवान से आए हैं, भगवान होंगे, जहाँ से आए वहीं पे वहीं होंगे, अभी बीच रास्ता में है, इसलिए हमारा जीवन ऐसा है, बीच रास्ता में, इसलिए बहुत असुंदर दिखता है। जैसा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होना है, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, कैसा दिखाई देगा? कहाँ पे सीमेंट है, कहाँ पे रॉड है, हर चीज इतना डिस्टर्ब फेज में है, लेकिन घर बनने के बाद कैसा दिखता है देखिए। हमारा जीवन श्री अरविंद बोल रहे हैं ट्रांजिटरी स्टेज में है, इसलिए ऐसा लगता है। अभी समय आ गया कंप्लीट होने का, भगवान होने का समय आ गया। मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, नॉट द फाइनल बीइंग। वानर का बाद जैसा मनुष्य आया, मनुष्य का बाद अतिमानव आएगा, जिसका दुख नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मनुष्य का बाद और एक जीव आता है, उसी के लिए अतिमानव शक्ति को वो लेकर आए हैं। उसके लिए एक स्टोरी है, ग्लोरी ऑफ द टेल बोलकर एक स्टोरी है। तब मनुष्य आया नहीं था संसार में, वानर श्रेष्ठ था। तो उन लोग को आकर भगवान आकर बोले कि हे वानर, तुम श्रेष्ठ हो अभी तक, लेकिन तुम्हारा बाद में और एक जीव आता है आएगा, उसका नाम मनुष्य है। तो 90% वानर बिलीव नहीं किया, बोला बेकार का चीज तुम बोल रहे हो, हम तो श्रेष्ठ है, हमारा बाद में कौन आएगा। भगवान बोला कि तुम्हारा इच्छा से नहीं होता है ना, भगवान का इच्छा में होता है। भगवान अभी सोच रहे हैं कि नया जीव यहाँ पैदा करेंगे। तो दूसरा जो 90% छोड़कर जो 10% थे, उन्होंने पूछा अच्छा कौन कहाँ से आएंगे? तो बोले कहाँ से नहीं आएगा, तुम अगर चाहोगे तो तुम ही हो जाएगा, वानर ही मनुष्य हो जाएगा अगर तुम चाहोगे। तो बोला हम लोग चाहेंगे, लेकिन थोड़ा हाईलाइट बताओ मनुष्य का जीवन का लीला कैसा है, वो कैसा जिएगा, तब तो हमारा इंटरेस्ट आएगा ना। क्रिकेट का हाईलाइट देखने से इंटरेस्ट आता है, क्रिकेट देखने के लिए टीवी फिल्म का ट्रेलर देखने से इच्छा होता है, ऐसा ही आप ट्रेलर थोड़ा दिखाइए मनुष्य जीवन का। हम लोग उस समय आए नहीं था, पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला तुम क्या समझोगे उसका लीला, दिल्ली में क्रिकेट मैच हो रहा है, तुम तुम्हारा गांव में देखोगे टीवी में, तुमको टीवी पता नहीं है कि खेल पता नहीं, तुम क्या उनका लीला समझोगे। हाँ एक चीज तुम समझने का चीज मैं तुमको बोलूंगा, तुम्हारा पूछ है क्या? हाँ ये तो हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्रेस्टीज है, उसको अगर कोई छुएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, तो वो नहीं रहेगा। तो वो जो 10% था उन डिप्रेशन में चले गए। वो अगर पूछ नहीं रहेगा तो जीवन में मजा क्या है? अभी अगर जीवन में दुख आता है तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ जंप करते हैं और एक फल खा देते हैं, खाकर पूछ को थोड़ा हिला देने से वो दुख चले जाता है। जब मनुष्य होंगे, जब दुख आएगा किसको हिलाएंगे? पूछ तो नहीं रहेगा तो दुख कैसा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा पूछ अच्छा रहता, हम अच्छे। तो भगवान बोले ठीक है तुम ऐसा रहो अभी तक है वो। और जो 5% थे, जो 10% में बोला था वो 5%, और जो 5% थे वो 5% ज्ञानी थे। वो सोचा हमारा पहले से जो थे उससे हम लोग अच्छे हैं, मछली से हम लोग अच्छे हैं, हमारा बाद में अगर कोई आएगा हमसे अच्छा रहेगा, पूछ रहने से क्या है, नहीं रहने से क्या। उन्होंने बोला वी आर रेडी टू सरेंडर आवर टेल टू यू, मेक अस ह्यूमन बीइंग, हमारा पूछ को समर्पित करते हैं आपका पास, आप हमको मानव बना दीजिए, मनुष्य बना दीजिए। शायद हम लोग उसी में थे वो 5% में, हम लोग हमारा पूछ दे दिया, अभी मनुष्य हो गया। अभी दुख लगता है कि पूछ नहीं है, कोई मंदिर को जाकर पूछते हैं कि हमारा पूछ मुझे रिटर्न कर दो,
अभी हमको पता होता है कि बिना कूद से भी अच्छा जीवन होता है, लेकिन उस समय वानर होने का समय सिर्फ 5% का पता था कि पूछ बिना एक अच्छा जीवन हो सकता है। ऐसा ही अभी श्री अरविंद बोल रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम शेष जीव नहीं हो, तुम्हारा बाद में अतिमानव आ रहे हैं, दिव्य मानव आ रहे हैं, उसमें उसका जीवन में दुख नहीं रहे, कुछ भी नहीं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि तो हमको क्या करना है, तो बोले तुम्हारा पूछ को छोड़ना है। अरे हम तो पूछ को छोड़ दिया इसलिए मनुष्य हुआ ना, अभी तुम्हारा एक वो तो दृश्यमान पूछ था, अभी अदृश्यमान पूछ है, वो है तुम्हारा कामना वासना अहंकार का पूछ, उसको अगर छोड़ोगे तो अतिमानव बनोगे। तो उसके लिए जो शक्ति जरूरत था उसको तपस्या कर लिया, 40 साल तक तपस्या किया पांडिचर श्री अरविंद, अतिमान शक्ति को अवतरण किया। उसका प्रति अगर हम लोग उन्मुक्त होंगे, जैसा मन मन शक्ति आया पशु मनुष्य हुआ, ऐसे ही अतिमान शक्ति आया, जो उस शक्ति के प्रति उन्मुक्त होगा वो दिव्य मानव बनेगा। वही है अतिमान शक्ति, वो अभी काम कर रहे हैं लेकिन जबरदस्ती काम नहीं करेगा, जो चाहेगा वही उससे उपकृत होगा। तो इतना ही था प्रश्न।